तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में अपनी आने वाली एक और नई फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जहां दोस्तों, अक्षय कुमार अभी हाल ही में ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आए थे, तो वहीं दोस्तों अब जो अगली फिल्म हमें अक्षय कुमार की देखने को मिलेगी वो रहेगी सरफिरा, जो कि दोस्तों जुलाई के मंथ में रिलीज की जानी है। और सरफिरा के बाद दोस्तों जो फिल्म हमें देखने को मिलेगी वो रहेगी फिल्म खेल खेल में, जिसकी दोस्तों शूटिंग अभी हाल ही में कम्प्लीट की जा चुकी है। और इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ साथ प्रज्ञा जायसवाल, तापसी पन्नू, वानी कपूर, फरदीन खान, एमी विर्क जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि फिल्म खेल खेल में साल 2016 में आई इटालियन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का ऑफिशियल हिंदी रिमेक होने वाली है, जिसमें कि दोस्तों हमें जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म का दोस्तों डायरेक्शन किया है मुदस्सर अजीज ने और फिल्म को 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। वहीं दोस्तों, सितंबर के बाद जो हमें अगली फिल्म अक्षय कुमार की देखने को मिलेगी वो रहेगी स्काई फोर्स, जो कि रिलीज की जाएगी 2 अक्टूबर को। और उसके बाद 20 दिसंबर को हमें फिल्म देखने को मिलेगी वेलकम 3 यानी कि वेलकम टू दी जंगल। और ऐसे में दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिर सरफिरा, खेल खेल में, स्काई फोर्स और वेलकम 3 के जरिए अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पे एक दमदार वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं। जल्दी दोस्तों हमें फिल्म खेल खेल में का फर्स्ट लुक पोस्टर मेकर्स की तरफ से देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, फिल्म खेल खेल में को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं यानी साथ ही आपको क्या लगता है कि खेल खेल में फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित होगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।